हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। फोन अगर आपका पानी में गिर जाए या बारिश में भीग जाए तो क्या करना चाहिए। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे तरीके मिलते हैं, लेकिन पर्सनल आकलन करने के बाद और खुद के एक्सपीरियंस से आप सभी को इस वीडियो में कुछ छोटे मोटे स्टेप्स बताऊंगा जो कि आप फॉलो करते हैं तो आपके फोन को बचाने के चांसेस 99.9% तक हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ भी आप मिस मत कीजिएगा, इसमें से एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है आपकी फोन की जान बचाने के लिए। मानते हैं आप बाहर जा रहे हैं और अचानक बारिश होती है, आपका फोन भीग जाता है, तो सबसे पहले रुक जाइए। अगर आपके पास फोन है और आपने उसको प्लास्टिक पाउच में नहीं रखा है तो आप कहीं छांव में रुक जाइए ताकि अधिक आपका फोन न भीगे। घर पहुंचने के बाद इसके एसेसरीज को रिमूव कीजिए और घर पहुंचने के दौरान अपने फोन को बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए अगर वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ नहीं होता है। तो स्विच ऑफ अगर फोन नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उसको फोर्स स्विच ऑफ कीजिए। उसके लिए सारी बटन्स को जो वॉल्यूम रॉकर्स हैं और पावर हैं 10 सेकंड तक प्रेस किए रहिए, फोन फोर्सफुली ऑफ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फोन में किसी भी प्रकार की USB या पावर इंसर्ट न कीजिएगा और हेडफोन के जो जैक हैं उसको भी इंसर्ट मत कीजिएगा। घर पहुंचने के बाद एसेसरीज को रिमूव करें, चाहे वो कवर हो, वो सिम इजेक्टर ट्रे भी है उसको रिमूव करें, मेमोरी कार्ड सिम को बाहर निकाल के रख दें, अपने सिम को भी काफी अच्छे से वाइप कर लें, नहीं तो वो भी खराब होने का चांस हो सकता है। फोन को हाथ में कस के पकड़िए और थोड़ा झटकिए। फोन को इस प्रकार झटकिएगा कि अंदर का जो पानी है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इन छिद्रों से बाहर आ जाए, चाहे वो स्पीकर, माइक्रोफोन, USB, सिम इजेक्टर टूल का छिद्र हो, वहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप है, फोन से आप पानी बाहर सकिंग कीजिए। सकिंग आप कैसे करेंगे, एक वैक्यूम क्लीनर लीजिए, वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो कार वैक्यूम जो होता है वो लीजिए और उसको बिल्कुल एयर टाइट तरीके से इसमें आप चारों ओर लगाइए जहाँ भी छेद है, और जो भी अंदर पानी है वो सोख लेगा या खींच लेगा। इस स्टेप के पहुंचने तक आपके फोन के अंदर पानी नहीं रहेगा, जो दो चार बूंद पानी था फोन के अंदर वो बाहर आ चुका है, अब फोन के अंदर केवल नमी है। नमी निकालने के लिए आप सभी एक एयर ब्लोअर लीजिए, जो हेयर ड्रायर होता है वैसा कुछ, लेकिन दोस्तों उसको बिल्कुल पास से मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फोन डैमेज हो सकता है, स्क्रीन डैमेज हो सकता है, अंदर की IC प्लेट डैमेज हो सकती है। थोड़ा दूरी रख के आप आराम से काफी देर तक धीरे धीरे करके आधे घंटे तक अपने फोन पे हॉट एयर ब्लो कीजिए ताकि फोन के अंदर जो भी आपके नमी हो, पानी चिपका हुआ हो, वो सब पानी सूख जाए। दोस्तों ये स्टेप करते तक आपके फ़ोन के अंदर 85% पानी हट जाएगा। इसके बाद फाइनली आप अपने फ़ोन को लीजिए, एक चावल का बैग लीजिए या फिर सिलिका बॉल्स का बैग लीजिए, उसमें रख दीजिए। चावल से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है सिलिका बॉल्स या सिलिका जेल, उसके अंदर अपना फ़ोन रख दीजिए करीब 5 से 10 घंटे तक, और फिर दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं रहेगी। उसके बाद आप फ़ोन को ऑन करेंगे, गारंटीड है फ़ोन ऑन हो जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस पूरे समय के बीच अपने फ़ोन को बिल्कुल भी ऑन करने की कोशिश मत कीजिएगा, ऑन करते ही फ़ोन के अंदर करंट दौड़ेगा और दोस्तों तभी आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है। घर आते ही बैटरी रिमूवेबल फ़ोन हो तो बैटरी रिमूव कर दीजिएगा, और नहीं रिमूव हो सकता तो कोई बात नहीं। कई फ़ोन ऐसे होते हैं जिसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी होती है, लेकिन फोर्सफुली इसका पीछे वाला जो प्लेट है वो हटाया जा सकता है Xiaomi के फ़ोन्स में, तो आप उसमें भी वो स्टेप फॉलो कर सकते हैं, पर बैटरी नहीं निकलेगी। मुझे उम्मीद है आप चारों चीज़ समझ गए होंगे। 4 स्टेप्स एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। फ़ोन को आपको ऑन नहीं करना है, एसेसरीज रिमूव करिए, फिर उसके बाद उसमें से पानी सक इन कीजिए वैक्यूम ब्लोअर की मदद से, फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी को हॉट एयर उस पर ब्लो करना है, इसके बाद आपको चावल या सिलिका जेल के अंदर फ़ोन को रखना है। फाइनली आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। खुश रहिए, वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आजकल ज़्यादातर फ़ोन तो ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत बौछार में भीगने के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों दिक्कत से बचने के लिए आप ये स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्या पता दिक्कत हो ही जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।